लोअर जी आई एंडोस्कोपी, जिसको हम कोलोनोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। लोअर जी आई एंडोस्कोपी करते हैं बेसिकली टू विजुअलाइज छोटी आँख, बड़ी आँख को देखने के लिए, एनस को देखने के लिए और रेक्टम को देखने के लिए। तो उसमें डायग्नोसिस के लिए इसके भी दो पर्पज़ होते हैं। एक तो डायग्नोसिस के लिए, जो बड़ी आँख की बीमारियाँ होती है या एनोरेक्टम की बीमारियाँ होती हैं उनको डायग्नोसिस के लिए, और उनके इलाज के लिए। एनोरेक्टम की डिजीज जैसे पाइल्स हैं, फिसर हैं, फिस्टुला हैं, और एनएस के एनोरेक्टल कैंसर मैलिग्नेंसी गांठ हो सकती है, पॉलिप्स हो सकती हैं, तो उनका डायग्नोसिस भी इसके द्वारा किया जाता है और इसका इलाज भी किया जाता है। जैसे पाइल्स आता है, मान लो केवल इंटरनल पाइल्स हैं, बाहर की तरफ नहीं है, तो इंटरनल पाइल्स को हम बेंडिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है उसमें, एंडोस्कोपी के द्वारा ही बिना कोई चीर फाड़ के हम उसको बैंड लगा देते हैं, बैंड से लाइगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेमरॉइड्स गिर जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसी तरह हम पाइल्स में कुछ दवा का स्क्लेरोजेंट एजेंट आते हैं, उसका इंजेक्शन लगा करके भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। अगर एनोरेक्टम के अंदर कोई गांठ है तो उसका बायोप्सी लेकर के उसके अकॉर्डिंगली कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह बड़ी आंत की एक बीमारी होती है IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। कई बार पेशेंट प्रेजेंट करता है कि बार बार ब्लैडरिंग में ब्लड के स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो उसका एंडोस्कोपी के द्वारा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज लोअर जीआई एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी होता है। उससे हम देखते हैं कि कोई अल्सर तो नहीं है बड़ी आँख में, और उसमें अकॉर्डिंगली हम बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में IBD कंफर्म होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, अल्सर पूरी तरह से हील हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सारा कोलोनोस्कोपी के द्वारा ही विजुअलाइज करते हैं। कई बार छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं बड़ी आँख में, जो रेक्टम में भी हो सकते हैं और आगे बड़ी आँख में जा करके भी गांठे हो जाती है, बेसिकली पॉलिप्स हो जाते हैं। तो अगर छोटे पॉलिप हैं, बिनाइन पॉलिप हैं, बिना कैंसर वाले पॉलिप हैं, तो उसको हम बिना कोई चीर फाड़ के एंडोस्कोपी के द्वारा ही उन पॉलिप्स को रिमूव कर देते हैं। और कई बार वेरियस अदर लार्ज इंटेस्टाइनल बीमारियां होती हैं जिनमें क्रॉनिक डायरिया, जैसे लंबे टाइम तक डायरिया हो रहे हैं, स्टूल बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो डायरिया का डायग्नोसिस के भी और इलाज भी कोलोनोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। कई बार बड़ी आँख का कैंसर होता है जो ऑपरेशन नहीं हो सकता, एल्डरली मेल है, काफ़ी अनरिसेक्टेबल कैंसर है, तो उनमें रुकावट को दूर करने के लिए बड़ी आँख में स्टेंट भी डाला जाता है, जिसको हम कॉलोनिक स्टेंटिंग बोलते हैं। कॉलोनिक स्टेंटिंग के द्वारा उसको ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया जाता है।